खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिछले दो दिन से लगातार हिमाचल में हो रही बारिश के कारण सिरसा में बह रही घग्गर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते जल स्तर के साथ आसपास के ग्रामीणों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार दो दिन से बारिश हो रही है जिसके कारण घग्गर नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। घग्गर से सटे गांव के लोगों का कहना है कि पिछले दो दिन में निरंतर घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, अभी कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है तो चिंताएं बढ़ना लाजमी है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों जब घग्गर पूरे उफान पर थी तब उनके खेतों में पानी आ गया था जिससे हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई थी। किसानों का कहना है कि ये तब हुआ, नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई, ऐसे में एक बार फिर घग्गर का जल स्तर बढ़ रहा है, उनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। केएनएन मीडिया के लिए सिरसा से दिनेश घनगस की रिपोर्ट। चिंता तो किसान को होती है पानी बढ़ने से, पहले भी हमारे यहाँ सारे पीछे फसलें दोबारा लगाया हमने धान सारा, हमारे किसानों ने सब ने मिलके, चिंता तो है ही। तो पहले कितना, पानी कितना पहले से कितना बढ़ गया है? पानी अभी तो नहीं बढ़ा, बढ़ रहा है धीरे धीरे पानी, जैसे पीछे से रिपोर्टें आ रही है पानी गूला चिक्का में बहुत बढ़ रहा है, पानी तो आएगा ही, यहाँ भी आएगा, और बांध सारे कमज़ोर है किनारे वाले, नुकसान तो है ही। पहले 15-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का किसान ने नुकसान सहना है, अब दोबारा चिंता तो होती है किसानों को। खतरा तो है ही है जी, पहले भी कुछ दिन पहले जब आई थी नदी ये, मतलब हुआ था जल प्रवाह और 400-500 किला डूबा था, इसलिए खतरा तो पूरा ही है। अब फिलहाल क्या स्थिति है? अभी तो कंट्रोल पे है, अगर इससे ऊपर बढ़ती है तो खतरा ही खतरा है जी। तो उम्मीद, जानकारी तो यही आ रही है अभी पानी बढ़ेगा, पीछे बारिश बहुत है, कई इलाके डूब चुके हैं और पीछे से पानी छोड़ रखा है, चढ़ाव में है और रात की भी चढ़ी है अब तक। पहले पीछे तो फुल्ली थी, उसके बाद नीचे चली गई थी ये, ठीक है, अब फिर चढ़ाव की है, परसों की चढ़ रही है और रात से अब तक 2-2.5 फुट चढ़ चुकी है। खतरा तो है ही जी, हर साल खतरा होता है, खतरा तो है ही, पहले भी एक बार डूब चुके हैं, काफ़ी एरिया डूब गया और अब फिर वो उसको मैं दोबारा से खर्चा किया है तो दोबारा डूबने के आसार हैं, और पहले जो खर्चा किया उस पर सरकार ने किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया, बीमे के पैसे तो काट लिए जाते हैं अकाउंट से, लेकिन जब उनसे मतलब प्रीमियम काटा जाता है और जब उनसे बीमे की रकम के बारे में पूछा जाता है तो कहते भी हम धान पे नहीं देंगे, तो नुकसान तो है ही जी, अगर डूबती है फसल डूबती है तो उसमें कोई मुआवजा नहीं मिलता। अब कितना पानी बढ़ा है पिछले दिनों के हिसाब से? ये कल से मतलब दो दिन से काफ़ी बढ़ रहा है, तो अगर इससे अभी तो कंट्रोल में, अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो खतरा तो है ही।